सो गाइज, जब भी हम किसी हैकर से मिलते हैं या उससे बात करते हैं तो हम खुद इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार ये बंदा कमाल है, इसके पास कितनी कितनी स्किल्स हैं और ये कैसे वेबसाइट्स और बाकी चीज़ों को हैक कर लेता है। तो ये सुनने में और देखने में और समझने में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। फ्रेंड्स, अगर आप हैकर बनना चाहते हैं और आप इथिकल हैकिंग की फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, बट अभी आप एक स्टूडेंट हैं या अभी आप स्ट्रगल लेवल के ऊपर हैं और आप चाहते हैं कि आप एक प्रोफेशनल हैकर बनें और आप लोगों की मदद करें और एक हैकिंग की फील्ड में बहुत आगे जाएं, बट आपको इस चीज़ का नहीं पता कि आपको हैकर बनने के लिए कौन कौन सी लैंग्वेज का आना ज़रूरी है, हैकर बनने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को आपने फॉलो करना है ताकि आगे जाके आप एक प्रोफेशनल और एक अच्छे इथिकल हैकर बन सकें। सो फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। टेक्निकल उस्ताद जी आपको टोटल वो टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बताने वाले हैं जिसको सीखने के बाद आप एक प्रोफेशनल हैकर बन सकते हैं और आप एक प्रोफेशनल हैकर इथिकल हैकिंग की फील्ड में बहुत ज़्यादा अपने नाम को ग्रो कर सकते हैं। मेरा नाम है अदनान, आप देख रहे हैं टेक्निकल उस्ताद यूट्यूब चैनल को। तो चलते हैं टेक्नोलॉजीज़ की दुनिया में। नंबर वन के ऊपर आता है हमारे पास पाइथन। पाइथन अगर आप सीख रहे हैं तो आपको इसके साथ इस चीज़ का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि मार्केट में इस चीज़ की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे हैकर्स जो हैं वो पाइथन लैंग्वेज को यूज़ करके अपने बहुत सारे काम को इजी बनाते हैं। और फ्रेंड्स, पाइथन जो लैंग्वेज है ये बहुत ही यूनिक है, ये वर्ल्ड वाइड यूज़ होने वाली लैंग्वेज है। हैकर्स बहुत ही ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स को हैक करने के लिए, और हैकर्स की सबसे फेवरेट लैंग्वेज जो है वो पाइथन लैंग्वेज। और फ्रेंड्स, ये सब कुछ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाइथन लैंग्वेज जो है ये बाकी लैंग्वेजेस से बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ही जल्दी आप इसके ऊपर ग्रिप कर सकते हैं और अपनी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसके अगेंस्ट आप प्रोग्राम जो है उनको डिवेल्प कर सकते हैं और आप अपने काम में उसको यूज़ कर सकते हैं। गाइस, पाइथन में सबसे ज़्यादा इस चीज़ का भी एज है कि इसमें आप छोटा कोड लिख के भी अपना प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। बाकी जो लैंग्वेज है या किसी और लैंग्वेज की बात की जाए, लेट्स सपोज कि अगर हम बात करें C++ की और साथ में कंपेयर करते हैं हम जावा को, तो वहाँ पे जो है कंपैरिजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पाइथन की, तो पाइथन में आप छोटा सा कोड लिख के उसमें आप जो रिक्वायर आपको प्रोग्राम है वो आप अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप मुझे यहाँ पर बताएं कि एक हमारे पास हैकर है और दूसरा हमारे पास प्रोग्रामर है जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखा है, और दूसरी तरफ हैकर है जिसने सभी लैंग्वेजेस को थोड़ा थोड़ा करके सीखा है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास जो प्रोग्रामर है वो एक प्रोग्राम को लेता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेता है और उसमें बहुत लंबे लंबे प्रोग्राम लिखता है एक प्रोग्राम बनाने के लिए। बट यहाँ पे हैकर क्या करते हैं, वो छोटे से कोड वर्ड के साथ वही प्रोग्राम सेम एज बना देते हैं जिसको एक डेवलपर ने बनाया है बहुत ही लंबे कोड के साथ। तो यहाँ पर आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हैकर्स होते हैं वो कोड शॉर्ट टर्म्स में लिख के कितना ज़्यादा टाइम को सेव कर सकते हैं, और हैकर्स की दुनिया में टाइम के हवाले से बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोचा जाता है कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हैकिंग की लैंग्वेज। सो गाइज, इसीलिए पाइथन की लैंग्वेज में जो हम हैकिंग सीखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है, और उसके साथ हम बहुत ही कम समय में बहुत ही यूनिक प्रोग्राम्स जो हैं उसको डेवलप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट की अगर बात करें तो आपके लिए HTML का सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अब आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे व्यूअर्स जो ये समझते होंगे कि हैकिंग के लिए HTML को हम क्यों यूज़ करें या कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि जो HTML है इसके कोड्स के बारे में जानना हैकिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तभी आप जो है, अगर आपको HTML आती होगी तो तभी आप वेब हैकिंग जो है उसको इजीली आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको HTML के कोड्स अगर नहीं पता तो आप वेब हैकिंग जो है वो आप नहीं कर सकते। तो इसलिए ईजी टू लर्न है, आपको जस्ट कोडिंग के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कुछ कोड्स के बारे में पता होना चाहिए। 52 कोड्स के बारे में अगर आपको पता होता है तो आप एक अच्छे हैकिंग और HTML के रिलेटेड काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आपके लिए HTML का सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक प्रोफेशनल हैकर बनना चाहती हैं तो आपके लिए HTML को सीखना, इसके कोर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है,
तभी आप किसी वेब को हैक कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स होंगे जो ये सोचते होंगे कि हैकर बनने के लिए हम किसी HTML लैंग्वेज को क्यों सीखें। तो इसके लिए भाई इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो टैग्स होते हैं, ठीक है। किसी वेबसाइट को अगर आप हैक कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे टैग्स होंगे जिसको आपको चेंज करना पड़ेगा, उसको लूप में लेना पड़ेगा, न्यू टैग्स को जनरेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको इसका हाउ नाउ होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप किसी वेब को हैक कर सकते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा जो हमारे पास जो फॉर्म्स होते हैं, जो एडमिशन फॉर्म्स होते हैं, जो हमारे पास लॉगिन या साइन अप पेजेस आते हैं वेबसाइट्स के ऊपर, वो HTML के ऊपर बने होते हैं। और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसमें HTML को यूज़ किया जाता है। और अगर आप प्रोफेशनल हैकर या बहुत ही बेहतरीन हैकर बनना चाहते हैं तो आपको HTML के बारे में पता होना चाहिए, HTML के हेडर्स के बारे में पता होना चाहिए, बॉडी एरिया के बारे में पता होना चाहिए, फुटर्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें CSS की स्टाइल शीट्स होती हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग के बारे में अगर आपको पता होगा तो फिर ही आप किसी वेबसाइट को हैक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा कि आए रोज़ जो है वो बहुत सारी वेबसाइट से हैक होती हैं। अगर आप गूगल के ऊपर जाएँ, वहाँ पर जाकर सर्च करें टूडे वेबसाइट्स हैकिंग के रिलेटेड, तो आपके सामने ऐसी ऐसी न्यूज़ आएंगे जिसको देख के आप हैरान हो जाएंगे। तो अगर आप वेबसाइट को हैक करना चाहते हैं, वेबसाइट हैकिंग की फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको जो है HTML कोर्स के बारे में पता होना चाहिए, CSS स्टाइल शीट्स के बारे में पता होना चाहिए, और बाकी चीज़ें तो फर्दर बाद में आती हैं, लेकिन आपको बेसिक्स इसके क्लियर होने चाहिए, फिर ही आप किसी वेबसाइट हैकिंग के बारे में सोच सकते हैं या उस फील्ड में आगे जाने के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वो है JavaScript। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर बहुत सारा ऐसा डेटा मिलता है जहाँ पे बताया जाता है कि आपने किसी वेबसाइट को कैसे हैक करना है, कैसे आपने प्रोग्राम को बिल्डअप करना है। तो ये सब कुछ जो है वो JavaScript के ऊपर होता है। जब मैं कॉलेज लेवल के ऊपर था तो ये मेरी फेवरेट लैंग्वेज थी, इसको मैं आज भी फेवरेट मानता हूँ। ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसके ऊपर मैंने काम किया है और ये बहुत ही सिक्योर होती है। इसके ज़रिए आप बहुत सारे हैकिंग के रिलेटेड जो भी मामलात हैं वो आप कर सकते हैं। बट अगर आप करना चाहते हैं किसी एप्लीकेशन को हैक, जैसे कि आपके एंड्रॉयड मोबाइल में बहुत सारी एंड्रॉयड ऐप्स होते हैं, अगर आप एंड्रॉयड ऐप्स को हैक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखनी चाहिए, ठीक है। उस पर कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिसके बारे में अगर आपको पता होगा तो फिर ही आप जो है किसी भी एप्लीकेशन को जो है हैक कर सकते हैं, या उसको रीबिल्ड कर सकते हैं, या उसके आप मॉडल्स को चेंज कर सकते हैं, उसको लूप में लेके आ सकते हैं और अपने हिसाब से उसको जो है वो मैनेज कर सकते हैं। जैसे ही आप उसका लिंक किसी अपने फ्रेंड्स को भेजेंगे या किसी ऐसे बंदे को भेजेंगे जिसको आपने हैक करना है, जैसे ही वो इसको इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल में, तो जो आपने उसके कीवर्ड सेट किए होंगे, उसके मोबाइल के मैसेज, उसके मोबाइल की गैलरी, ऐसे ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तो उस चीज़ को ओवरऑल हम बोलते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट हैकिंग। तो एंड्रॉयड के डेवलपमेंट के बाद ही उसकी आप जो है वो हैकिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको प्रोफेशनल और एक अच्छा और बेहतरीन हैकर बनना है तो जितनी ये मैंने आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बताया, इसके हाउ नाउ के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो फिर ही आप जो है एक प्रोफेशनल हैकर बन सकते हैं। लास्ट पे फ्रेंड्स, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ईच एंड एवरी थिंग हैकिंग के रिलेटेड डिटेल के साथ एक दो घंटे की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में इस चीज़ के बारे में आप लाजमी मैंशन करें। और इसके साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें जो कि हैकर बनना चाहते हैं। और इस चैनल के ऊपर नहीं हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही टेक्नोलॉजीज़ के रिलेटेड वीडियोज़ मैं अपलोड करता रहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।